विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलधारा विकास संस्था में कुमुद विहार परिवार की ओर से अनूठी सीड बॉल मशीन का उद्घाटन किया गया। इस मशीन के माध्यम से पौधों के बीज को मिट्टी की बॉल में मिलाया जाता है, जिससे जंगल में पौधों को आसानी से उगाया जा सके। उद्घाटन समारोह में महामंडलेश्वर हंसाराम उदासीन, उदासीन आश्रम, जिला वन अधिकारी देवेंद्र प्रताप जागावत, उद्योगपति प्रकाश चंद छाबड़ा, जलधारा विकास संस्था के अध्यक्ष महेश नहवाल, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू भी मौजूद रहे। जलधारा विकास संस्था के अध्यक्ष महेश नहवाल ने कहा कि राजस्थान में पहली सीड बॉल मशीन का आज भीलवाड़ा में उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से बीज को मिट्टी के बॉल के बीच में डाला जाता है, जिससे वर्षा ऋतु में अच्छे बीज अंकुरित हो जाते हैं। कुमुद विहार परिवार के सदस्य और उद्योगपति प्रकाश चंद्र छाबड़ा ने कहा कि हमने इस बार 1 लाख से अधिक पौधों की सीड बॉल बनाने का उद्देश्य रखा है, जिसमें शीशम, नीम, करंज, पलाश और खेर के बीज को लिया है। वहीं महामंडल संसारम उदासीन ने कहा कि आज जो है सीड मशीन लगाई गई है, इससे पर्यावरण को अच्छा फायदा होगा। जंगल में बीज फेंकने से 10 में से 1 या 2 बीज ही पेड़ का रूप लेते हैं, मगर इस सीड बॉल के कारण 100% बीज अंकुरित होकर पेड़ बनेंगे। पर्यावरण दिवस जिसकी आज बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, इसके लिए हम लोगों को सबको बहुत अवेयर होना चाहिए। लोग एक बड़ा अभिनव प्रयोग, ये मैं बहुत उत्साहित हूँ ये जो सीड बॉल वाले प्रकल्प को लेकर के, क्योंकि मुझे लगा कि जंगलों में पेड़ बहुत आसानी से इसके माध्यम से लगाए जा सकते हैं, और मैं बहुत अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्रकल्प मेरे द्वारा हो रहा है जो शायद 1-1.5 लाख पेड़ इससे डेवलप हो जाए, और हम इसको सतत चलाते रहेंगे, पूरे आजीवन चलाते रहेंगे इसको। इसमें हमने देखिए नीम बहुतायत में ले रहे हैं, करंज ले रहे हैं, खेर ले रहे हैं, पलाश ले रहे हैं, और शीशम ले रहे हैं, करंज, ये वैरायटीज जो जंगलों में चलती है आसानी से, चुड़ल है, छल बोलते इसको, ये पेड़ हम लेंगे। जलधारा संस्थान और कुमुद विहार के सभी सज्जनों ने और उसमें प्रकाश जी छाबड़ा, ये जो पर्यावरण के लिए जो काम हो रहा है, ये अपने आप में जीव मात्र के लिए रक्षा है। पर्यावरण से ही जीव की रक्षा है। आप जहाँ देखेंगे पर्यावरण नहीं है, वहाँ पे ही ये ऐसी महामारियाँ फैल रही है, और जहाँ पर्यावरण है वहाँ देखेंगे बहुत कम रोगी मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में इम्यूनिटी और उसकी ऑक्सीजन और उसकी हरियाली जो अपने आप में ये महामारी को विनाश करने की क्षमता रखती है। और ये पर्यावरण आने वाले समय के लिए ये जो बीज की मशीन बनाई है, ऐसी ये उपयोगी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 आज सीड बॉल मशीन द्वारा सीड बॉल बनाने का उद्घाटन आज यहाँ किया गया है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें बीज डाल करके और मिट्टी और उसकी ऊपर थोड़ा खाद, इस प्रकार से एक गोला मिट्टी का बन जाता है जिसमें सीड होते हैं, और ये सीड बॉल जंगलों में वन क्षेत्र में फेंकी जाएगी ताकि बीजों का जनरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारा टारगेट लगभग 5 लाख सीड बॉल भीलवाड़ा ज़िले के वन क्षेत्र में फेंकने का है, तो ये जलधारा विकास संस्थान और कुमुद विहार परिवार द्वारा, प्रकाश जी छाबड़ा द्वारा सामूहिक प्रयास इस प्रकार का किया गया, जिसमें स्थानीय प्रकार के बीजों का प्रयोग अधिकतम किया जाएगा। भीलवाड़ा जनरली मैं सोचता हूँ संभवतः राजस्थान में पहली मशीन होगी,